तो कुछ दिन पहले मैंने तुम लोगों को शॉर्ट्स में कुछ ऑनगोइंग एनिमे बताए थे जो कि हिंदी डब में अवेलेबल थे, और उसी में से एक एनिमे था विक्टोरिया वेंड एंड स्वॉर्ड। सबसे पहली बात, मुझे इसका नाम काफी ज्यादा अजीब लगा था। मैं सोच रहा था कि भाई ये क्या एनिमे है, लेकिन जब मैंने एनिमे देखा तो मैं समझ गया कि इसका नाम ये क्यों रखा गया है। तुम्हें याद होगा हमने बहुत पहले एक एनिमे देखा था जिसका नाम मशेल मैजिक एंड मशेल था, और इसी तरीके से तुमने शायद ब्लैक क्लोवर भी देखा हो, जिसके अंदर हमारा जो मेन कैरेक्टर है इसके पास मैजिक नहीं होता लेकिन ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, और जिस भी अकेडमी या फिर यूनिवर्सिटी या फिर जिस भी लीग में जाता है वहां पर सबके पास मैजिक होता है, बट हमारे मेन कैरेक्टर के पास मैजिक नहीं होता लेकिन फिर भी वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इसका भी कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा ही है। तुम्हें याद होगा कि कोई भी मैजिक का एनिमा होता है उसमें एक छड़ी होती है, तो जो हमारे मेन कैरेक्टर है इसके पास जो छड़ी है ना, मतलब ये पहली बात तो इसकी छड़ी काम नहीं करती, इसके पास एक स्वॉर्ड रहती है, और स्वॉर्ड से तुम्हें आता है क्योंकि ब्लैक क्लोवर की हमारा मेन कैरेक्टर था ब्लैक क्लोवर में आता, उसके पास एक स्वॉर्ड रहती थी, लेकिन इसमें कोई जो ग्रिमोर या फिर ग्रिमोर होती है उसका कोई सिस्टम नहीं है, जिससे कि ऐसे नहीं कि हम बिल्कुल कॉपी नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ हम दो तीन एनिमे का मिक्सचर जरूर से बोल सकते हैं। तो तुम सोचोगे कि भाई ये तो बहुत ही बेकार एनिमे, इसका मतलब दो तीन एनिमे को ऐसे मिक्स कर बनाया है लोगों ने, तो नहीं ऐसा भी नहीं है। मैं ये नहीं कहूंगा कि बेचारे को तुम मैं ये बोल लोगों की कॉपी कर दिया, क्योंकि इसकी एनिमेशन काफी अच्छी थी, हमारे मेन कैरेक्टर बाकी सभी चीजें बैटल सीन्स थे सभी चीजें काफी ज्यादा अच्छी थी, मतलब उन्होंने काफी मेहनत करी इस एनिमे को लेकर, और एक स्टोरी थोड़ी सी और चेंज भी करने की कोशिश की थी, जहां पर जो हमारा मेन कैरेक्टर है ये जो टॉप पर क्यों जाना चाहता है क्योंकि जिसकी फ्रेंड थी बचपन की वो पहले से टॉप पर पहुंच चुकी है, और उसने काफी सारे जो मैजिक होते हैं उन्हें भी डिस्कवर किया है, जो कि उस वर्ल्ड में मैजिक को डिस्कवर करना बहुत ज्यादा हार्ड होता है, तो इस वजह से टॉप पर पहुंचना चाहता है क्योंकि उसने वादा किया था। और वैसे तुम्हें ये चीज शायद से कैज नंबर 8 को भी सी लग रही हो, भाई मैं सिर्फ बताऊँ ना, मैं जब इस एनिमे को देख रहा था मैं सोच रहा था कि इन्होंने यहाँ से उठा लिया वहाँ से वो उठा लिया, मैं ये सोच रहा था, लेकिन फिर भी बुरा नहीं लग रहा था एनिमे। हाँ मैं ये कहूँगा कि तुम्हारे मन में जरूर से ख्याल आएगा कि भाई चारों तरफ से एनिमे में से कुछ ना कुछ उठाए जा रहे हैं, लेकिन ये नहीं कि बेकार है, फिर भी कुछ चीज़ें हो सकती हैं कि तुम्हें थोड़ी सी अजीब लगें, कि लाइक एक जो हमारा एक स्कूल है मतलब जो भी जिसके अंदर ये मैजिक पढ़ते हैं उसके अंदर भी जो एक विलन टाइप का बंदा रहेगा वो मतलब कि तुमसे किलता रहेगा, तुम पर गुस्सा रहेगा, जो कि तुमसे नफरत रहेगी, ऐसे एक टीचर रहेगा, तो बहुत सारी नॉर्मल चीज़ें भी थी। डिसेंट 7/10 एनिमे था, जिसे कि मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा अगर तुमने मशेल मैजिक एंड मसल देखा है, ब्लैक क्लोवर देखा है, इस सब के एनिमे देखे तो तुम्हें शायद पसंद ना आए, वरना नॉर्मली एक बिल्कुल नॉर्मल से एनिमे है। वेल मैं इसका रिव्यू नहीं बनाने वाला था, बट मैंने इसे देखा और अभी ऑन गोइंग चल रहा है, आगे बहुत कुछ हो सकता है, इसी वजह से मैंने सोचा चलो तुम्हें बता देता हूँ किस टाइप के एनिमे है, क्योंकि ये टॉप के एनिमे में चल रहा था जो हमारा क्रंचीरोल है उस पर जो पॉपुलर होते हैं उसमें, तो मैंने देखा था इसकी रेटिंग 4.9 की थी, शायद 30,000 रिव्यूज भी थे तो काफ़ी ज़्यादा ये, इसी वजह से और देखा था मैंने इसे, बाकी मैंने बता दिया कि एक नॉर्मल सा एनिमे था, तुम देख सकते हो अगर तुम्हारे पास फ्री टाइम है तो। आज वीडियो में बड़ी एंड करते हैं, आई नो शॉर्ट वीडियो थी, तुम और बाकी चैनल वीडियोस देख सकते हो, आते वीडियो पसंद जरूर से लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब कर जाना, मैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।